दोस्तों, अगर आप लोग करे हो कोई भी अमाउंट हो, अब आपको चुकाना पड़ेगा। अब आप लोग हैरान होकर सुन रहे हो, भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आप वीडियो बनाए थे, बोल रहे थे कि कोई भी प्री पेमेंट मना करो, कुछ नहीं होने वाला। सबर करो दोस्तों, सबर करो, मैं बता रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास एक SMS आया है, वो क्या है वो SMS मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक SMS जो है आया है, वह जो आप लोगों के पास भी जा सकता है। और ये क्या SMS है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रिय ग्राहक, आपका मामला 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को चेंबर नंबर D408 ककरदुमा दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली कोर्ट है वहाँ पे पिन कोड दिया है, पर मध्यस्थ अधिवक्ता देविका चौधरी के समक्ष सूचीबद्ध है। गैर उपस्थिति के लिए दीवानी आपराधिक कार्रवाई आवश्यक होगी। हमारे कानूनी अधिकारों के अनुसार जो दिशा सिद्धि जेल या फिर संपत्ति कुर्क की कारण बन सकता है। इसका मतलब क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर रहे हो या फिर मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो जो है कि कानूनी कार्रवाई होगा, आप लोगों को जेल भी हो सकता है और आप लोगों का संपत्ति जो है वो जब्त भी हो सकता है। तो चलो मैं डर गया इसको देख के। यहाँ पे लिखा है, अपने क्रेजी बी ऋण के भुगतान निपटन के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है संपर्क करें। नोटिस देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें। जो नोटिस है, जो लीगल नोटिस भेजा है, वो एक लिंक के थ्रू भेजा गया है यहाँ पे। तो वो नोटिस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ इसको, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद ये नोटिस क्या होता है वो देख लीजिए। लाइव मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्या आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है नोटिस डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, डाउनलोड फाइल अगेन, डू यू वॉन्ट टू बजाज ऑटो फाइनेंस लीगल। मैं सोचा कि भाई क्रेडिट वी से लोन लेने के बाद बजाज फाइनेंस से नोटिस कैसे आ गया। चलो कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिस भेजा है तो भाई भेजा है, देखना तो पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया और इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का चीज़ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या है वो देखिए, बजाज ऑटो फाइनेंस की तरफ से यहाँ पे देविका चौधरी एडवोकेट LLB कुछ मतलब वहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर वगैरह जो है वो दिया हुआ है। टू बजाज ऑटो फाइनेंस कस्टमर, ये तो गजब हो गया भाई। अब जो है क्रेडिट बी जो है वो बजाज के साथ जुड़ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, मतलब ये जो है नया चीज़ मेरे को देखने को मिल रहा है भाई। क्रेडिट बी का जो है लीगल नोटिस बजाज का नोटिस भेज रहा है। आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं बना के बता रहा हूँ। सीधे तरीके से वो जो लिंक क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हुआ, आप लोगों को दिखा, सामने ही मैंने किया। अब देखिए यहाँ पे नॉन रिपेमेंट ड्यूज ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स ऑन योर BAFL। मैंने सोचा भाई ये क्या हो गया, मैंने तो बजाज का भी मेरा लोन चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। तो ये क्रेडिट बी के साथ जुड़ गया क्या, ये क्या गजब हो गया। तो भाई इस तरीके का जो है ये गलती, फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो इसको हटा देते हैं, इसको हटा के मैं दूसरा चीज़ जो दिखाता हूँ वो देखिए, वो क्या है। ये जो नंबर है दिख रहे हो ना, 9289014107, ये जो है यहाँ पे लीगल एडवाइज़र का जो है नंबर है। तो मैंने सोचा चलो इसको कॉल कर लेते हैं, कॉल करके देखते हैं। तो कॉल करने के बाद मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, वो कॉल करने के बाद क्या हुआ है। ये ट्रू कॉलर में आ रहा है, स्वाति सिंह मनी व्यू। अरे मतलब हो क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ भाई। ये जो है मनी व्यू से आ रहा है, क्रेडिट बी से आ रहा है या फिर बजाज फाइनेंस से आ रहा है, किसको मैं वापस करूँ पैसा भाई। तो इसका जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सुनो। हेलो हेलो, हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हो? मेरे पास एक SMS आया था। किस नंबर पे आया था, नंबर बताइए। नंबर बता रहा हूँ, ओके। नंबर आया था 01। एक सेकंड, अपना नंबर बताइए सर। किस नंबर पे आया है वो बता रहे जी। 701। एक सेकंड सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, आप लाउडली बोल सकते हैं। 701। ये सिद्धि कुरेशी कौन है? शाहिद कुरेशी। हाँ। कौन है सर? मेरा ही नंबर है, बोलिए। क्रेडिट बी से जो आपने लोन ले रखा है उसका अमाउंट पे क्यों नहीं किया है? अच्छा, यहाँ पे एक SMS आया प्रिय ग्राहक के नाम से, ये क्या चीज है मेरे को समझ में नहीं आया। ये एम लीगल से आपको नोटिस आया हुआ है, लीगली में आपकी फाइल आ चुकी है। एम लीगल से जी जी अच्छा, ये मतलब कहाँ से, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा? ये शहीद कुरेशी है, आप ही है ना? जी, आपने जो क्रेडिट बी से लोन ले रखा है उसका अमाउंट पेंडिंग है अभी। हाँ तो वो समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आपने भेजा है कानूनी कार्रवाई होगा, मतलब क्या होने वाला है? लीगल में आपका केस आ चुका है, अगर आप पे नहीं करते हैं तो
डिफॉल्टर में सेंड हो जाएंगे, देन उसके बाद में आपको पैन कार्ड आधार कार्ड ब्लॉक हो गया, आपको कोर्ट से पेमेंट करनी पड़ेगी अपनी। पैन कार्ड आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा जी, करकर डुमा कोर्ट से। अच्छा, पैन कार्ड आधार कार्ड ब्लॉक कर सकते हो आप लोग? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। बोल रहा हूँ, पैन कार्ड आधार कार्ड आप लोग ब्लॉक कर सकते हो? जी सर, हो सकता है। और यहाँ पे जो आपने एक लिंक भेजा है, लिंक में क्लिक करने से क्या होगा? मैंने किया नहीं। लिंक में पे करने से होगा सर, उस लिंक में पेमेंट होगी आपकी। नहीं, लिंक में यहाँ पे क्लिक करने से कुछ डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड हो रहा है। डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड हो रहा है, वो आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है लीगल में। अच्छा, मतलब ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ओके, डाउनलोड कर लिया मैंने, डाउनलोड कर लिया। अब मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, पीडीएफ फॉर्मेट में है। देविका चौधरी के नाम से एडवोकेट एलएलबी के नाम से आया है जी सर। अच्छा, तो आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं करकल्डुमा कोर्ट से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप कौन है? मैं क्रेडिट बी लीगल एडवाइजर हूँ। अच्छा, आप क्रेडिट बी लीगल एडवाइजर है, और आपने यहाँ पे लीगल नोटिस भेजा है। आपने नोटिस चेक किया, कौन से चीज का नोटिस आप भेज रहे हो? सर वो बाय मिस्टेक बजाज का हो चुका है, सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम, सुनिए, सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हो चुका है कोर्ट पे। सुनिए सर, जब कोर्ट पे लीगली नोटिस, सर आईडीएफसी के बजाज के, सर मेरी बात सुनिए, किसी को भेजते हो किसी दूसरे एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट सर किसी को भेजोगे? सर सबसे हमने सेंड, सर सेकंड टाइम में भी एक नोटिस सेंड किया गया होगा आपको कि सर स्वाति सिंह नाम है, आपका यहाँ पे मैंने उनको फोन लगाया, फोन उठाया 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास मैंने फोन किया था। तो फोन उठाने के बाद बातचीत हुआ, बातचीत होने के बाद क्या हुआ, मैंने पूछा कि आपने क्या नोटिस भेजा है, तो उन्हें बताया कि गड़बड़ी से मैंने भेज दिया, हड़बड़ी से भेज दिया। अरे भाई, किसी कस्टमर को अगर भेज रहे हो, अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है, तो भाई कुछ सीरियस टाइप का धमकी दो ना, ताकि डरे लोग। ऐसा क्या, ये तो कॉमेडी हो गया, मतलब कुछ भी सही है ना। अब क्या है कि मनी व्यू की तरफ से ये मतलब ये जो लड़की है बात कर रही है, लीगल एडवाइजर बता रही है क्रेडिट बी का, अब जो है इसके पास बजाज फाइनेंस का भी जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स है इनके पास, मनी व्यू का नाम भी शो कर रहा है, क्रेडिट बी से एसएमएस कर रहा है। बताओ आप, क्या बताऊँ इसको, ठीक है। लास्ट में जब नाम पूछा तो नाम बताते हुए फ़ोन कट कर दी। तो ये है, ये सब जो है मतलब इतना खतरनाक एसएमएस भेज रहा है, तो मैंने सोचा कि भाई डर ही जाऊं, मतलब जेल अब तो होने वाला है पक्का, क्योंकि बजाज जुड़ गया है, क्रेडिट भी जुड़ गया है, मनी व्यू से कॉल आ रहा है भाई, मतलब अब जो है 5,000 हो या फिर 10,000 हो या फिर 1,00,000 हो, पेमेंट तो करना ही होगा, क्या करूं अब। जो तो दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक जोक के पार्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो में क्या है, ये खुद ही जोक कर रहा है, ठीक है। इसमें सही है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद बनाया इसको, लाइव आप लोगों को दिखाया, लिंक क्लिक करने के बाद क्या हुआ, तो ये उसी ने भेजा है। मतलब ये लोग क्या करते रहते हैं, क्या करता है, इनको खुद को ही मालूम नहीं है। इसका डॉक्यूमेंट उस पर चिपक देता है, चिपका के भेज देता है, और क्या क्या कुछ नहीं करना है, बैठता है ये लोग, लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजता है, लीगल नोटिस भेजता है, हाईकोर्ट से नोटिस भेज देता है, भाई अब क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों डरो नहीं, ये सब चीज़ें जो है कॉमन चीज़ें हैं, ये सब जो है नया नया तरकीबें जो है आप लोगों को डराने के लिए करते हैं, लेकिन ये खुद ही जो है ये बेवकूफ़ बन जाते हैं ये सब करते हुए। तो आप लोगों को डरना नहीं है दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।